अस्सलामुअलैकुम एवरी वन, वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल एंड फेसबुक पेज। एक ऑक्शन होने जा रहा है 23 मई को मंगल के दिन 11 बजे, और ये कस्टम इंटेलिजेंस वालों का ऑक्शन है। और इसकी लोकेशन वही है, कश्मीर हाईवे में बिल्कुल नास के बिल्कुल सामने है, G12-4 में। अगर गाड़ियों की बात की जाए तो 5 सीरीज़ BMW 2009 मॉडल जो कि काफ़ी ऑक्शन में आ रही है, उसके बाद टोयोटा प्रियस 2009-2010 मॉडल इस ऑक्शन में भी अवेलेबल है, उसके बाद मीरा की 2017 मॉडल, टोयोटा सर्फ 2008-07 मॉडल जो आती है वो गाड़ी भी इसमें ऑक्शन में है, टोयोटा मार्क एक्स 2006 मॉडल, बोन कार 2011 मॉडल, टोयोटा प्राडो 2006 मॉडल, टोयोटा क्रोला 2003 मॉडल, टोयोटा अक्वा 2015 मॉडल, सुजुकी अल्टो 2017 की मॉडल, और यामाहा हैवी बाइक 96 मॉडल जो कि पहले भी वी मैक्स एक आई हुई थी। उसके अलावा कपड़े, चॉकलेट्स, बिस्किट्स, मोबाइल एक्सेसरीज़ और लोहे और बादाम वगैरह जो भी ये सामान है ये भी इसमें, शैम्पू, खजूर और बहुत सामान है, ये आप देख सकते हैं। गाड़ियों का मायना आप 22 मई को ऑफिस की टाइमिंग में कर सकते हैं, जैसे कि आपको पता है कि इनकी टाइमिंग जो 10 से लेकर शाम 4 या 5 या 6 बजे तक होती है। उसके बाद इनकी जो शराइत है आपको पहले भी पता होना चाहिए थे कि मैं हर ऑक्शन की वीडियो में जो भी बनाता हूँ उसमें आपको बता देता हूँ कि जैसी गाड़ियाँ होंगी, जहाँ है, जैसी हैं, जिस कंडीशन में होंगी उसी की बुनियाद पे आपको ये गाड़ियाँ देंगे। और उसके बाद कामयाब बोली, मतलब जिसकी बोली कामयाब निकल आती है या उसकी जो प्राइस सबसे ज़्यादा होती है उसने 25% कैश जो है 7 दिन के अंदर अंदर जमा कराना होगा, और अगर वो नहीं कराता तो उसके बाद वो उसकी पेमेंट, और उसके अलावा 10% फाइलर और जबकि 20% नॉन फाइलर जो टैक्स है वो उसने अदा करना है। उसके अलावा बोली की नामंजूरी और मंजूरी, जो आपको पता है कि एक ऑफिसर ही कर सकता है कि वो किसी भी गाड़ी की जो बिडिंग हो रही है उसको वो अप्रूव करता या अप्रूव नहीं करता। इसके बाद ऑक्शन होंगे जून में, क्योंकि ये लास्ट ऑक्शन ही समझ लें, इसके बाद जून में बहुत बड़ा ऑक्शन होगा। और इसके अलावा इनके नंबर 0512890960 ये इनका नंबर है। इनके अलावा एक और फ़ोन नंबर भी इनका है, लेकिन वहाँ पर जाहिर सी बात है बहुत रश होने की वजह से नहीं होता। अगर आपने पिछले ऑक्शन की वीडियो देखी है तो वहाँ पे आपको प्राइस लिस्ट का आइडिया हो जाएगा। और चलें इस के बारे में अभी चेक करते हैं और इसमें देखते हैं कि कौन सी गाड़ियाँ हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें प्राडो की तो 2006-07 का मॉडल है, और जैसे कि ये गाड़ी देखी जाए तो ये 2008-09 मॉडल में ये गाड़ी, इसको कह सकते हैं कि इसमें 1GR है V6 जो इस वाली गाड़ी आती है, बाकी 120 होती है और ये वाली 121 होती है जिसमें 4000 cc वाला इंजन होता है, 4001 GR जिसको बोलते हैं, और वो गाड़ी फुल ऑप्शन होती है, उसके बाद लेदर सीट्स वगैरह होती है, तो ये गाड़ी भी वही है। और अगर इस प्राइस की बात की जाए इस गाड़ी की तो ये गाड़ी इस ऑप्शन में 70+ ऊपर जाएगी, डिपेंड करता है कि 80 के आसपास भी जाए, क्योंकि गाड़ी की जो प्राइस वैल्यू है और 121 को देखा जाए जो कि 2009 के स्टार्ट में आया था, उसके बाद दूसरी शेप आ गई थी 150, तो ये गाड़ी इस ऑक्शन में काफ़ी महंगी जा सकती है डिपेंड ऑन द कंडीशन। इसके बाद अगर बात की जाए सर्फ की 2008 का मॉडल है, ये भी इस ऑक्शन में आ रही है, और अगर पीछे ऑक्शन में देखा जाए तो सर्फ की जो प्राइस ब्रैकेट जो 2006-07-08 मॉडल की है वो पाकिस्तान में काफ़ी ज़्यादा होगी, मतलब 45+ जा रही है, तो अगर इस गाड़ी की कंडीशन देखें तो बहुत ही अच्छी गाड़ी है, और इंजन वगैरह का कुछ कह नहीं सकते कि ये डीजल में है या पेट्रोल में है, लेकिन ये गाड़ी भी इस ऑक्शन में आप कह सकते हैं कि 40 या 50+ जाएगी। उसके बाद जो टैक्स वगैरह है और जो डिटेल्स वगैरह है वो जो लोग मेरी वीडियोस स्टार्ट से देखते आ रहे हैं उनको इसका आइडिया बिल्कुल होगा और कन्फर्म होगा कि इसमें जो वेरिएंट वगैरह आते हैं उसमें और इनकी कंडीशन वगैरह में थोड़ा बहुत डिफरेंस आ जाता है प्राइस ब्रैकेट में। उसके बाद अगर प्रियस की बात की जाए तो लास्ट ऑप्शन में अगर देखा जाए, जिसकी मैंने वीडियो भी बनाई थी, तो उसमें प्रियस भी काफ़ी बहुत महंगी चली गई थी, और अगर इस बार भी देखा जाए तो बड़ी खूबसूरत प्रियस है, और तीनों सिल्वर कलर में, ये वाली भी आप चेक कर सकते हैं, मेंशन सिर्फ 2 है उस पर डिटेल्स में, लेकिन यहाँ पर गाड़ियाँ 3 हैं, पिक्चर 3 की आई हुई है, और इसको भी आप चेक कर सकते हैं, सिल्वर कलर की है, 9, 10, 11 मॉडल वाली है। और अगर प्राइस ब्रैकेट की इसकी बात की जाए तो 35+ एग्जैक्टली ये जाएगी, इस 100% श्योर, और इसके ऊपर जाएगी, लेकिन फिर भी डिपेंड करता है कि कौन सा वेरियंट है, जी है या एस है, तो उस पर भी डिपेंड करता है कि इसकी प्राइस ब्रैकेट में थोड़ा बहुत फ़र्क
आ सकता है, और एक फैमिली यूज़ के लिए अगर कोई भी आजकल कोई गाड़ी लेना चाहता है जिस तरह इम्पोर्ट वगैरह बंद है, तो उसके लिए एक बेस्ट ऑप्शन है प्रियस एक्वा वगैरह, जो हाइब्रिड वगैरह आजकल के पेट्रोल प्राइसेस या उसको लेकर अगर चलते हैं तो ये एक अच्छी गाड़ियां हैं। लेकिन प्राइस आपने माइंड में रखनी है कि 35 वगैरह होगी, क्योंकि लास्ट 6 मंथ से कोई 27 और 8 लाख से शुरू होकर लास्ट वाली जो गाड़ी सेल आउट हुई थी वो 44-45 लाख की जो सेल आउट हुई थी, प्रियस 14 मॉडल थी जो फुल ऑप्शन इसमें वगैरह आती है वो थी। तो इसमें भी डिपेंड करता है कि कौन सी वेरिएंट इसका कौन सा है, और आप गाड़ियां चेक करेंगे तो उसको आपसे आपको एक कम्प्लीटली आइडिया हो जाएगा। मैं जहाँ तक अगर बात की जाए तो मैं 75% या 80% आप लोगों को इसका एग्जैक्ट आइडिया दे सकता हूँ, उससे आपको बहुत हेल्प वगैरह मिल जाया करेगी। उसके साथ आ जाती है करोला 2003 मॉडल, 3-4 मॉडल जिसको एक्स करोला वगैरह भी कहा जाता है। तो ये गाड़ी भी इस ऑक्शन में है, और अगर इसकी कंडीशन देखी जाए तो इतनी आप अच्छी नहीं कह सकते, 100% नहीं कह सकते, लेकिन फिर भी गाड़ियाँ, जाहिर सी बात है ये कुछ लोग वगैरह यही पूछते हैं कि ये गाड़ियाँ इनके पास कहाँ से आती है, और इसमें काफ़ी खूबसूरत खूबसूरत और लो माइलेज वाली गाड़ियाँ आती हैं जो कस्टम के ऑक्शन होते हैं स्पेशली, उनमें से काफ़ी गाड़ियाँ खूबसूरत आती हैं और बहुत अच्छी अच्छी माइलेज वगैरह पे आ जाती हैं। तो कुछ ऐसी होती हैं कि जिनकी कंडीशन वगैरह थोड़ी सी रफ़ होती है, लेकिन कुछ यहाँ पर पाकिस्तान में चली होती हैं, और कुछ ऐसी होती है जो फ्रेशली पाकिस्तान से, यानी कि किसी भी सिटी वगैरह में आने से पहले ही कस्टम वाले पकड़ लेते हैं। तो ये 2003 का मॉडल है, और अगर इसकी प्राइस ब्रैकेट की बात करें तो वो भी 2 मिलियन से ऊपर ही जाएगी, लेकिन डिपेंड अपॉन द कंडीशन कि कंडीशन इसकी कैसी होगी, तो उस पर ही फर्दर डिसाइड कर सकते हैं कि अगर आया उस पर 10-5 लाख रुपए का जो फ़र्क आता है, या 2-3 लाख रुपए का पर गाड़ी के हिसाब से। उसके बाद खड़ी हुई है एक्वा 2015 मॉडल। इस ऑक्शन में मैं पहले स्टार्ट में कह चुका हूँ कि जो गाड़ियाँ हैं वो इसमें कम है, वो इस वजह से क्योंकि लास्ट मंथ में और उसके अलावा काफ़ी ज़्यादा ऑक्शन हो गए थे, तो जो भी गाड़ियाँ वगैरह थी वो सेल आउट हो गई थी। तो इसके बाद अभी जून में ही एक बड़ा ऑक्शन होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। तो ये 15 मॉडल है, और अगर इसकी प्राइस रेंज की बात करें तो ये भी 35+ ही जाएगी, और इसी के आसपास जाएगी, लेकिन डिपेंड करता है कंडीशन पे, वेरिएंट पे, और क्या इसकी कंडीशन वगैरह, तो वो सबसे ज़्यादा मेन चीज़ है, उस पर डिपेंड करता है। तो उसी के हिसाब से जो भी आप बिड करना चाहते हैं, और अगर सक्सेसफुल लेना चाहते हैं मिसाल के तौर पे अपने लिए, तो मेक श्योर आप मायने के लिए, मतलब इंस्पेक्शन के लिए आप खुद जाएं और गाड़ी को अच्छी तरह से चेक कर लें। और दूसरी बात ये कि इनकी गाड़ियां वगैरह लॉक भी होती हैं, और थोड़ा इशू ये भी होता है, लेकिन फिर भी एक आइडिया आपके पास रफली 70% या 60% आ जाता है, तो उसी के हिसाब से आप बिड लगाया करें। उसके बाद है सुजुकी अल्टो 2017-18 मॉडल जो आती है पाकिस्तान में। ये वाइट कलर की गाड़ी है, कोई अलॉय रिम वगैरह नहीं लगे हुए, सिंपल टायर वगैरह, और लॉट नंबर 11 में खड़ी हुई है गाड़ी की। अगर बाहर से देखा जाए तो गाड़ी काफ़ी लुक वगैरह वाइज वगैरह बहुत अच्छी नज़र आ रही है, लेकिन फिर भी अगेन आई एम सेइंग कि वहाँ पर अगर आप जाएंगे तो आपको एग्जैक्ट आइडिया वहीं से हो सकता है, पिक्चर से नहीं हो सकता, एक जस्ट आइडिया के तौर पे मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। अगर इसकी प्राइस रेंज की बात की जाए तो ये भी 1.8-1.9 और इसी 2 मिलियन के ब्रैकेट के अराउंड ही ये गाड़ी इस ऑक्शन में सेल आउट होगी, लेकिन फिर भी उसके अलावा अगर आप वहाँ पे जाके चेक करेंगे, इंस्पेक्शन करेंगे, तो आपको थोड़ा सा एग्जैक्टली कंफर्म आइडिया हो जाएगा। उसके बाद आ जाती है मार्क एक्स 2006 मॉडल, लॉट नंबर 5 में खड़ी हुई है, और ये गाड़ी अगर इसकी बात की जाए लास्ट ऑक्शन में, तो ये गाड़ी तकरीबन इसकी प्राइस ब्रैकेट भी आजकल 40 और 45 के अबव ही जा रही है, और काफ़ी अच्छी है, लेकिन उसके अगेन गाड़ी डिपेंड करती है कि किस वेरिएंट में है, कौन से इंजन में है, 3.5 है, 3.0 है, या 2.5 है, और लेदर सीट्स हैं, इलेक्ट्रिक सीट्स हैं, तो उस पर डिपेंड करता है कि गाड़ी की जो प्राइस वैल्यू की ब्रैकेट है वो 5 लाख रुपये अगेन ऊपर और नीचे हो सकती है। उसके बाद आ जाती है लॉट नंबर 6 में पासो खड़ी हुई है, इनके पास एक ही गाड़ी है, और ये गाड़ी भी तकरीबन आप इस तरह कह लें कि 1.5-1.6 मिलियन के अबव ही सेल आउट होगी, क्योंकि ये गाड़ी भी काफ़ी ऑक्शन में, तकरीबन हर एक ऑक्शन में आ जाती है। उसके बाद बोन कार आ जाती है 2010-11 का मॉडल है, और ये गाड़ी ऑक्शन में फर्स्ट टाइम आई हुई है, गाड़ी बहुत ही खूबसूरत गाड़ी है, और अगर कोई गाड़ी ये लेना चाहता है तो मैं यही गाड़ी रेकमेंड करूंगा लोगों को कि ये अपने लिए उठाए, बहुत ही अच्छी गाड़ी है, ऑक्शन में बहुत ही कम आई हुई है, क्योंकि अगर देखा जाए तो फर्स्ट टाइम इस ऑक्शन में इस गाड़ी को देखा जा रहा है, लेकिन प्राइस ब्रैकेट का इसका बिल्कुल आइडिया नहीं है, लेकिन वो ख़ुद भी आप आइडिया के तौर पर आप इसका अंदाज़ा लगा सकते हैं।
लास्ट में आ जाती है यामाहा की बाइक, लेकिन एक बात समझ नहीं आ रही कि इसमें सिर्फ पिक्चर में फ्रेम नज़र आ रहा है, इंजन वगैरह नहीं है, लेकिन कुछ लोग ये वीडियोस वगैरह देखेंगे या पिक्चर देखेंगे उनको यही आइडिया होगा कि सिर्फ फ्रेम ही है, इंजन वगैरह नज़र नहीं आ रहा, लेकिन जाहिर सी बात है इनके पास इंजन वगैरह भी होगा। और इससे पहले भी ऑक्शन में जो यामाहा वी मैक्स आई हुई थी 96 मॉडल, तो वो तकरीबन 5,80,000 या 6 लाख के राउंड अबाउट सेल आउट हुई थी। तो इसका भी इंजन वगैरह साइड पे होगा जिससे आप वापस इसको रिबिल्ड करा सकते हैं। इसके अलावा अगर बात करें, इनके अलावा काफ़ी चीज़ें इनके पास, आप वहाँ पर वेयर हाउस में जाके चेक कर सकते हैं, इनका दूसरा वेयर हाउस है, वहाँ पर सारी चीज़ें आप चेक कर सकते हैं, मोबाइल फ़ोन, एक्सेसरीज़, लैपटॉप्स वगैरह, फर्नीचर वगैरह, LEDs वगैरह, वो आप ख़ुद जाके चेक कर सकते हैं, तो आपको उसमें आइडिया हो जाएगा, क्योंकि काफ़ी जापानी चीज़ें उसमें, जापानी चीज़ें आई हुई होती हैं जो कि आपको बहुत अच्छी प्राइस में मिल जाती है, लेकिन मेक श्योर कि वो वहाँ पर आप अपने हिसाब से चेक करें तो आपको आइडिया हो जाएगा। उसके अलावा अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर दें, और अगर कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट में नीचे पूछ सकते हैं, मैं उसका आंसर आपको एज अ स्टोरी के बेस पे दूंगा, तो आपको काफ़ी इजी हो जाएगा। और इसी तरह अपना प्यार मोहब्बत दिखाते रहिएगा, अपना ख्याल रखिएगा, इंशाल्लाह फिर वीडियो बनाऊंगा मैं ऑक्शन की, सोल्ड प्राइसेस की, तो इंशाल्लाह वहाँ पे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।